हे गाइस, कैसे हम सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से अपने रिटेल स्टोर सिमुलेटर में, और ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगले अपडेट में क्या क्या नई चीजें यहाँ पर आने वाली है। तो चलो भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो बात कर लेते हैं भाई पहली चीज की जो अपने अपडेट में आने वाली है। तो जो पहली चीज है वो यहाँ पर भाई की कुछ नए एनपीसी यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एनपीसी मतलब ये जो सारे लोग आपको इस गेम में दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने भी कस्टमर हो गए और जो अपने यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, ये सारे क्या हैं, एक एनपीसी हैं, जो कि मतलब नॉन प्लेएबल कैरेक्टर होता है, उसको एनपीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये ऐड होने वाला है। यहाँ पर दो तीन फोटोज आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि ये वाली फोटो है पहली, और ये एक फीमेल कैरेक्टर आप लोग देख सकते हो। तो ये एक एनपीसी है जो ऐड होने वाला है, और इसके अलावा जो एक मेल है, मतलब मेल एनपीसी है वो है, उसकी फोटो ये रही भाई, ये ऐड होने वाला है। और अभी तक यही दो हमें पता चला है कि यही दो टाइप के एनपीसी जो है वो ऐड होने वाले हैं, और मतलब कि यहाँ डेवलपर्स ने इतना ही शेयर किया है। और इसके अलावा जो अगली चीज़ है जो अपडेट में आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, और उसका वेट हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और जो कि है भाई अपना वेयर हाउस। तो यहाँ पर फाइनली अपने गेम में एक वेयर हाउस आने वाला है, जो कि बची कुछ ही चीज़ें जो होती हैं जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं वो रखने के काम आएगा। और ये रही वो फोटो, और ये फोटो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है भाई कि यहाँ पर कोई अलग से रूम नहीं ऐड किया गया है, जो कि अपना कंप्यूटर वाला रूम है। आप लोगों को पता होगा भाई, जो कि अपना मेन एक तरीके से ऑफिस रूम कह सकते हो आप लोग, तो उस वाले रूम में ही यहाँ पर इन्होंने कुछ रैक वगैरह ऐड कर दिए, सेल्फ वगैरह ऐड कर दिए, जिस पर हम जो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो ले जाके रखेंगे, और बस उसको वेयर हाउस का नाम दे दिया है। अभी तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, बाकी अपडेट में आएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर अलग से रूम दिया गया है या फिर वही है जो मैं बता रहा हूँ। और जो इसका अगला अपडेट है, मतलब अपडेट में जो अगली चीज़ है वो क्या है, तो भाई वो अपने जो कैशियर है, सॉरी जो अपना रिस्टॉकर है, यानी कि वो एम्प्लॉय जो कि भाई अपनी चीज़ों को उठा के जो है वो सेल्फ में अरेंज करता है, तो उससे रिलेटेड है। और वो क्या है, तो भाई वो ये है कि अपना जो एम्प्लॉई है, हम अब उसको ये बता पाएंगे कि भाई ये वाला सामान इसमें रखना है, और जो रैक खाली रहती थी, मान लो आपका पूरा का पूरा सेल्फ खाली पड़ा है, उसमें एक भी सामान नहीं है, तो ये लोग जो है वो ले जाके वहाँ पर सामान नहीं रखते हैं अभी। पर अपडेट आने के बाद ऐसा नहीं होगा भाई, खाली रैक में भी मतलब ये लोग सामान रखेंगे, बस आपको इनको जो है वो कमांड देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं ये फोटो आपको दिखा देता हूँ, ये रही है फोटो भाई, इसमें आप लोग देख सकते हो। तो ये वाली फोटो देखो, तो इसमें अभी देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाँ इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ करना है, पर एग्जैक्टली क्या करना है ये एक फोटो से तो पता चलेगा नहीं भाई। तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो भाई आप लोग वो वीडियो मिस ना करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी करना पड़ेगा, ताकि भाई वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन आ जाए, तो फटाफट से आप लोग ये कर लो। वैसे आप लोग पहले ही कर चुके होंगे, पर अगर नहीं किया है, ध्यान से उतर गया हो, तो कर लो, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें अपडेट में आने वाली थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, जो कि भाई अपने एक एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एक वेयर हाउस है, और एक है कि यहाँ पर नए नए एनपीसीज जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो गए होगे भाई वही सेम टू सेम कस्टमर देख देख के, तो अभी कुछ नए कस्टमर भी आएंगे। तो इतना था अपडेट में, बाकी अभी चलते हैं अपने गेम की तरफ और थोड़ा बहुत गेम प्ले भी कर ही लेते हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया खेले इसको। तो चलो भाई, यहाँ पर गेम हमने स्टार्ट कर दी है। फिलहाल अपने पास $7,000 हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हमने भाई सारा का सारा स्टॉक जो है वो भर रखा है। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पर चीज़ें कम है, जैसे कि ये हो गया, मतलब कि एकदम से कम नहीं है कोई भी चीज़, पर हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें कम हो चुकी हैं यहाँ पर। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ चीज़ यहाँ पर बाई नहीं की है, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पर बाई करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर भाई स्टॉक्स की कमी ना पड़े हम लोगों के पास। और मुझे लगता है भाई एक एक करके मुझे लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें ना, मतलब पूरी तो नहीं, ख़त्म है एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मैंने खरीद रखा है ऑलरेडी, पर थोड़ा बहुत मुझे परचेस करना पड़ेगा, जिससे कि भाई यहाँ पर चीज़ें एकदम से ख़त्म ना हो। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एप्पल जूस हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये राइस हो गया, ऑयल हो गया, और यहाँ पर भाई ये केचप वगैरह है, ये भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ स्नैक्स वाली चीज़ें ये भी हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर भाई जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी लगभग मुझे ख़रीदनी ही है। तो चलो यहाँ पर चलकर ऑर्डर कर देते हैं, बाकी यहाँ पर ये क्लोज है, इसको ओपन करते हैं। चलो अभी अपनी शॉप ओपन हो चुकी है, और अभी चलते हैं भाई यहाँ पर देखते हैं हाँ क्या क्या चीज़ें हमें मंगवानी है। सबसे पहले तो ये सारी जितनी भी ड्रिंक्स है ना, ये सारा मैं जो है वो एक एक ऑर्डर कर देता हूँ, और एक बॉक्स में 8 पीस होती है, तो उतना जो है वो इनफ हो जाएगा, बाकी जैसे ही कम पड़ेगी वो हम दोबारा से मंगवा लेंगे। तो चलो यहाँ पर 5 चीज़ें मैं ऑर्डर कर देता हूँ,
और तो यहाँ पर ये जो सोडा पैक है ये तो ऑर्डर करना है नहीं, क्योंकि अभी मैंने एक भी नहीं लगाया है। ये नया आइटम है जो कि लास्ट अपडेट में आया था हम लोगों के गेम में, तो उसके लिए हमें एक अलग से सेल्फ खरीदनी पड़ेगी जो कि हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी जो है ऑयल मैंने जो है वो ऑर्डर कर दिया है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कॉफ़ी वगैरह तो है अपने पास। और ये देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पर ऊपर इसमें जो ड्राई बेकिंग वाला आइटम है इसमें ये जो कॉफ़ी पाउडर है ये हमें मंगवाना है। तो चलो दो चीज़ें हमने और ऑर्डर कर दी हैं, और यहाँ पर फ्रीज में रखने के लिए और क्लीनिंग के लिए भी कुछ सामान हमें मंगवाना है। जैसे कि क्लीनिंग के लिए हमें, यार वैसे मुझे क्या मंगवाना है मैंने देखा ही नहीं, और यहाँ पर फ्रीज़र के लिए भी मैंने देखा नहीं तो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ एक क्रीम है ये मैंने मंगवा ली है, और ये एक ब्लू वाला जो चीज़ है ना इसको जो है वो हम मंगवा लेते हैं, और एक ये जो रेड वाला है ये भी। और इसके अलावा यहाँ पर एक फ्रूट योगर्ट है इसको मंगवा लूँ क्या, चलो इसको भी मंगवा लेते हैं। बाकी अपना वनीला योगर्ट हम लोग बाद में मंगवाएंगे, इसको भी मंगवा ही लेते हैं, नहीं नहीं रहने देते हैं इसको बाद में मंगवाएंगे, ये शायद है थोड़ा बहुत अभी अपने पास इनफ। तो चलो भाई यहाँ पर चीज़ें मैंने मंगवा रही हैं, और जो अपने वर्कर्स हैं वो काम पर लग चुके हैं भाई, फटाफट वो काम कर रहे हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। वैसे अभी दो ही है, हमें और भी हायर करना पड़ेगा, पर अभी नहीं, हम लोग बाद में हायर करेंगे, मुझे लगता है अभी दो इनफ है। बाकी यहाँ पर भाई देखने में ये चीज़ें कुछ मतलब ऐसे झिलमिला रही हैं ना, मतलब एक जगह ऐसे मतलब लग नहीं रहा है कि सही है। एक मिनट यार, ये रिजोल्यूशन क्यों कम हो जाता है बार बार, और फिर भी अभी ये चीज़ें देखो, पास आ जाता हूँ तो ठीक हो जाता है, थोड़ा दूर जाता हूँ तो ऐसे झिलमिलाने लगता है यार, पूरी पूरी स्क्रीन ऐसी लगती है मतलब कि हाँ थोड़ा हलचल तो हो रही है। बाकी चलो ठीक है, वो तो गेम में दिक्कत है ना, मेरी स्क्रीन में थोड़ी ना दिक्कत है। और बाकी ये सारी चीज़ें भी हमें मंगवानी पड़ेंगी अभी के लिए। तो कॉफ़ी पाउडर वैसे यहाँ पर अभी है, और इसके बगल ये जो स्नैक्स है ये भी हमें मंगवाना है, और यहाँ पर ये राइस भी हमें मंगवाना है, भाई राइस अपने पास नहीं है। और यहाँ पर एग्स भी हमें मंगवाने पड़ेंगे, खासकर ये बड़े वाले जो हैं जिसमें 12 पीस एग आता है, तो ये भी हम मंगवा लेते हैं चलकर, और यहाँ पर चलकर शॉप में। और एक कहाँ होता है यहाँ पर स्नैक्स में, नहीं शायद जनरल में होगा, हाँ ये रहा भाई जनरल चीज़ें अपनी मतलब जो है वो ये, हाँ ये एक रहा भाई, इसको मंगवा लेते हैं हम लोग। और इसके बाद जो है वो हम लोगों का क्या था, राइस, हाँ राइस भी हम लोग मंगवा लेते हैं, अंकल टोनी राइस है इसका नाम। और इसके अलावा तो अभी मैंने काफ़ी चीज़ें ध्यान नहीं दी, बाकी चलो अभी दो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवा ली हैं ये वाले में भी, और इस तरफ भाई ये वाला जो एग है इसमें भी थोड़ा मुझे मंगवाना पड़ेगा, हाँ एक स्टैक मैं ऑर्डर दे दूंगा तो काम हो जाएगा। और इसके अलावा भी पहले एक मिनट, पहले एक का याद आया है तो उसको जो है हम ऑर्डर कर देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये जो जिसमें 4 पीस होता है वो वाला हमें करना है, एक स्टैक। ये रहा भाई ये $1.9 मतलब कि $2 का है, तो चलो इसको मैंने मंगवा लिया है। और अभी इसके अलावा भाई हम लोग जो है वो क्लीनिंग के लिए कुछ मंगवा लें या फिर अपने फ्रीज़र में रखने के लिए, नहीं रहने देते हैं अभी यार, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी अपने पास। और यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एक चीज़ है, और ये भी कुछ है भाई, ये मीट है, ये भी मीट है, ये सुशी है, और नीचे वाला पता नहीं क्या है, और इधर मिल्क है। तो इतनी चीज़ें अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, 2-4 पीस सभी के पास है, मतलब कि 2-4 पीस एक्स्ट्रा है। बाकी यहाँ पर भाई ये मंगवाना है हमें दो चीज़, एक जो ग्रीन वाला था एक रेड वाला था, उसमें से एक पिज़्ज़ा सेडर है, और एक वो भी पिज़्ज़ा से ही रिलेटेड है, मतलब वो भी पिज़्ज़ा ही है एक तरीके से। तो ठीक है, एक तो ये ग्रीन वाला है, ये पिज़्ज़ा हैम और एक पिज़्ज़ा सेडर, तो ये दोनों हमने मंगवा लिया है। तो चलो ये भी जो है वो कम था, कम क्या था मतलब लगभग ख़त्म ही था, तो इसको भी हमने जो है वो ऑर्डर कर दिया। अभी अपने एम्प्लॉई जो है वो सारे आएंगे और यहाँ पर ये अपना स्टॉक फुल कर देंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ ये हो गया है, और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर ही दी हैं और वो बाहर आ भी गई हैं। तो चलो हम भी थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उठा के भाई लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने एम्प्लॉई कर रहे हैं, क्योंकि भाई दो ही हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा इनको करने में, और थोड़े आलसी भी हैं मुझे ऐसा लगता है। चलो फिलहाल यहाँ पर ये वाली ड्रिंक जो है यहाँ पर रख देते हैं हम लोग फटाफट से, और ये पता नहीं कौन सी ड्रिंक है पर कुछ तो है। वैसे ये सारी ड्रिंक्स जो है वो फ्रिज में होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये सेल्फ में रखवाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि भाई ड्रिंक से ये ठंडी अच्छी लगती है ना, क्या पता भाई सिटी में ठंड का माहौल होगा, पर ठंड का माहौल तो ऐसे नज़र आ नहीं रहा है। फिलहाल ये अपना कॉफ़ी पाउडर है, इसको उठाते हैं, और ये वाला कॉफ़ी पाउडर जो है वो यहाँ पर है, तो चलो ठीक है ये यहाँ पर है, 2 पीस इसमें है, यानी कि 2 पीस अपना एक्स्ट्रा ये बॉक्स में बच जाएगा, तो इसको हम ले जाके अपना रख देंगे अभी का जो वेयर हाउस है उसमें। तो भाई ये रहा अपना वेयर हाउस, यही है अपना अभी का वेयर हाउस, और अपडेट आएगा तो भाई अपना वेयर हाउस तो चेंज हो ही जाएगा।
तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपने एम्प्लॉय भाई मेहनती तो हैं, मतलब हाँ थोड़े आलसी भी हैं पर करते हैं भाई, थोड़ा रुक रुक के सारे काम वो कर रहे हैं। तो ये वाला जो वाटर है इसको यहाँ पर रख देते हैं भाई, इसको लगता है कि स्टैक और बाय करना पड़ेगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुका है ये। तो हाँ एक स्टैक और हम लोग बाय कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, पहले और भी चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं। इसको यहीं पर रख देता हूँ, अपना वो जो एम्प्लॉय है यानी कि जो अपना वो है नौकर वो उठा के लेकर जाएगा इसको। बाकी यहाँ पर देखो चीज़ें जो है वो काफ़ी कम हो चुकी हैं अपने पास, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लीनिंग वाले में ये ब्लू वाला जो है ये भी कम हो चुका है, इधर रेड वाला इधर ग्रीन वाला, और ऊपर इसमें क्या है, इसमें कुछ है क्या? ओ भाई इसमें ये टूथपेस्ट है, तो चलो टूथपेस्ट जो है वो यहाँ पर इसको रहने दो, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है भाई कितना पीस बचा है कितना नहीं, इधर से तो दिखाई दे नहीं रहा है। और यहाँ पर ये जो है इसका मैंने हाँ मैक्सिमम प्राइस लगा रखा है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं होने वाली। और इसके अलावा इसका भी शायद नहीं भाई, इसका मैक्सिमम प्राइस नहीं लगा रखा मैंने, इसको मैक्सिमम कर देते हैं। और बाकी लगभग सारे में मैंने मैक्सिमम प्राइस लगा रखा है। और यहाँ पर क्लीनिंग के लिए और भी चीज़ें हमें जो है वो ऑर्डर करनी पड़ेंगी, जैसे ये है तो ये हमें दो स्टैक मंगवाना पड़ेगा। और इसके अलावा भाई जो अपना डिसइंफेक्टर है और डिशवॉशर है ये दोनों भी हम लोग मंगवा लेते हैं, एक एक स्टैक, ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे। बाकी जो अपना शैम्पू है वो हम दो स्टैक मंगवाने वाले हैं। तो चलो ठीक है, ये रहा भाई अपना शॉप, यहाँ पर क्लीनिंग वाले ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे पहले एक जो है वो हमें मंगवाना है ये अपना जो है वो इसको क्या कहते हैं, ये सॉफ्टनर है, फैब्रिक सॉफ्टनर। और एक ये रहा भाई अपना डिशवॉशर। और इसके अलावा भाई अपना एक ये सोप हो जाएगा जो कि अपना डिश सोप है, मतलब बर्तन धुलने वाला जो सोप होता है वो है। तो चलो ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने कर दी हैं। और इसके अलावा ऑरेंज जूस भी एक बनता है क्योंकि वो भी थोड़ा कम हो गया है, मेरी नज़र पड़ी थी तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। और इसके अलावा देख लेते हैं अपने स्नैक्स वाले में, तो यहाँ पर कोई चीज़ रह नहीं गई है। बाकी अपना यहाँ पर बेवरेजेस वाले में भी कुछ नहीं रह गया है, मुझे लगता है एप्पल जूस रह गया है। नहीं अभी इसको नहीं मंगवाते हैं, देखूंगा अगर नहीं होगा तब मंगवाएंगे। बाकी इसके अलावा जो अपना ये नया आइटम वाला सेक्शन जो आया है, मतलब जो ड्राई बेकिंग का है, इसमें से मैंने सारी चीज़ें जो है वो बाय कर रखी हैं। तो चलो ठीक है, इतनी चीज़ें तो यहाँ पर हो चुकी हैं। और लगभग लगभग अपना जो फ्रीज़र है इसमें भी चीज़ें जो है वो भरी हुई हैं, तो इसमें भी अभी मंगवाने की ज़रूरत है नहीं शायद से। तो बाकी यहाँ पर भी हाँ लगभग लगभग चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर एक ये ब्लू वाला जो है ये आइटम ये हमें मंगवाना पड़ेगा, और ये जो दोनों वाइट और ग्रीन वाले शैम्पू हैं ये भी हमें मंगवाने पड़ेंगे। तो ये हमें करना है इतनी चीज़ें। बाकी यहाँ पर अभी हमें केचप और मेयोनीज भी मंगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर ओ भाई यहाँ पर अपने फिश कैन जो है ये भी ख़त्म हो चुके हैं। और हाँ भाई इसका जो है ना मैंने प्राइस नहीं सेट किया था मैक्सिमम। ओ भाई अबे भाई ये मैंने लगभग 0.74 का ख़रीदा है और बेच रहा हूँ मैं लगभग $9 का। भाई अंधाधुन प्रॉफिट है यार इस आइटम में तो, मतलब अगर मैं केवल यही आइटम अपने पूरे मार्केट में बेचूं, मतलब पूरे यार पूरे सुपरमार्केट में अपने पूरे स्टोर में यही एक आइटम रखूं, तब तो भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा देखते ही देखते। मतलब यार लगभग 100 गुना प्रॉफिट हो रहा है यार एक आइटम से, मतलब इतना भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्या यार? मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई इस वाले बिजनेस में, तो इसको तो भाई रियल लाइफ में भी ज़रूर करना चाहिए पक्का से भाई। थोड़े बहुत पैसे हैं तो इसी में लगा दो भाई, जनरल स्टोर खोल लो, सुपरमार्केट खेल लो, दबा के चलेगा भाई, दबा के प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं भाई, लोग ये खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें भाई कौन खरीदना बंद करता है, मतलब खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें मैंने देखी है वो मैं मंगवा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपना जो है ये अपना केचप हो गया, हनी बी हो गया और मेयोनीज़ हो गया, ये तीनों हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर भाई कैन हो गया, मतलब फिश का जो कैन है ये एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला चाहिए, वो कहाँ गया? वो शायद ऊपर होगा, ये रहा भाई, ये मैंने एक मंगवा दिया है। तो ये 5 आइटम थे जो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं और ये डिलीवर भी हो चुके हैं। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ और चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर जैम भी मंगवा लूँ क्या? नहीं, रहने देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक एप्पल जूस मंगवा लेते हैं। और क्या मंगवाऊँ? और तो यहाँ पर एक सोडा जैप मंगवा लिया है, सॉरी जैप सोडा मंगवा लिया है। तो चलो इतनी चीज़ें तो हो चुकी है। बाकी क्लीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक ये ब्लू वाला और एक ये ग्रीन शैम्पू, एक वाइट शैम्पू हो गया, इसके अलावा एक सॉफ्ट क्लीनर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई अपने पास ये एक रेड वाला या फिर ये ब्लू वाला या फिर ये एक मिनट रेड वाला मैं ले लेता हूँ या ब्लू वाला ले लूँ, ब्लू वाला ले लेते हैं, ये वाला शायद ज़्यादा कम था। तो चलो इतनी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं अभी के लिए फ़िलहाल। और अपने एम्प्लॉई भाई नॉन स्टॉप भाई काम करते ही जा रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी काम करवा लेता हूँ।
तो ये रहा भाई अपना सॉफ्ट क्लीनर, इसको यहाँ पर लगाते हैं। वैसे इसको मुझे एक स्टैक और मंगवाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ ये भाई इतने में तो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि कम भी पड़ेगा। तो चलो भाई, एक तो इसमें कम पड़ गया, एक ऊपर वाले रैक में भी कम पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ये मैंने ब्लू वाला मंगवाया है, रेड और ग्रीन वाला भी मुझे मंगवाना पड़ेगा, तो चलो वो भी हम कर देंगे। बाकी इस तरफ मैंने जो है वो ये कैन मंगवा लिया है, फिश का जो कैन होता है, और यहाँ पर क्लीनिंग का भी लगभग आइटम मैंने मंगवा ही लिया है। और भाई यहाँ पर देखते देखते रात हो चुकी है, काम करते करते भाई मैं भी कर रहा हूँ नॉन स्टॉप और अपने एम्प्लॉय भी कर रहे हैं नॉन स्टॉप, और फिर भी भाई काम यहाँ पर ना जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है मुझे 3-4 कम से कम और एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, कम से कम 3-4 तो, हाँ 3-4 तो बनते ही हैं भाई, 5-6 लोग हो जाएंगे फटाफट से काम होगा अपना, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, जो कि मैं करूँगा ज़रूर से पर बाद में। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको लगा देते हैं, और ठीक है भाई ये लग गया, और भी बचा है क्या? हाँ एक बस ख़त्म हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई। ये वाला जो बॉक्स है इसको चलकर भाई बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं, और अपने एम्प्लॉय भाई मेहनत तो कर रहे हैं भाई, रात हो चुका है फिर भी ये लोग काम किए ही जा रहे हैं इनको काम करने देते हैं भाई, और हम लोग करते हैं अपना काम बंद। इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।